फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन दो कलरों की वूल से और यहां पर मैंने नीडल ली है 10 नंबर की नीडल है। ये दो कलर की वूल है। इससे बहुत ही सुंदर एक 5 और 6 नंबर पैर के लिए बहुत ही सुंदर ये लेडीज बूटीज बनाएंगे। इसे आप बूटीज भी बोल सकते हैं, सॉक्स भी बोल सकते हैं और जोराब भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स दो कलर की वूल लेके ये देखिए रेडीमेड लुक में बहुत ही सुंदर ये मैंने यहां पर लेडी सॉक्स बनाई है। तो फ्रेंड्स, तो इस सॉक्स को मैंने यहां से पीछे एडी से स्टार्टिंग की है, 22 फंदे डाल के मैंने यहां पर ध्यान से देखिए पीछे से इसकी स्टार्टिंग की है। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है ध्यान से देखिए। तो यहां पर मैंने बिल्कुल सिंगल धागे से ऐसे 22 फंदे डाल के और यहां पर मैंने 44 सलाइयां सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी बनाई है। 44 सलाइयों में मेरी ये इस तरह से 22 धारियां आई, यानी कि 22 फंदे और 22 ये धारियां मैंने यहां पर सिंगल धागा डाल के बनाई है। तो ये यहां तक मैंने ध्यान से देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 धारियां मैंने ये बनाई है। तो 22 धारियां बनाने के बाद ये 22वीं धारी मेरी सीधी साइड से बनी है। अब आ गई हैं हम उल्टी साइड की तरफ। तो यहां पर हमने जैसे यहां से मैंने ये ब्लैक कलर लगा के ये डिजाइन डाला है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये वाला ब्लैक कलर हम किस तरह से ये डिजाइन बनाएंगे। तो यहां से हम ध्यान से देखिए सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहां पर देखिए ये सेकंड कलर मैंने ब्लैक कलर यहां पर लगाया है और इस सिलाई को हम यहां पर उल्टी साइड से है, इसे हमने ऐसे पूरी सिलाई को ही उल्टा उल्टा बनाना। तो ऐसे इस धागे को दबाते हुए ताकि ये धागा ऐसे लटका लटका सा दिखाई न दे और यहां पर फिनिशिंग आए। तो इस तरह से हम उल्टी साइड है डिजाइन की ब्लैक कलर से और पहली सिलाई है, पूरी सिलाई को ऐसे ब्लैक कलर लगा के हम यहां पर उल्टा उल्टा बनाएंगे। केवल 22 फंदों से बहुत ही सुंदर ये रेडीमेड लुक में आज हम ये लेडी सॉक्स बनाएंगे। बिल्कुल जिसे उल्टा सीधा बुनना आता वो इस सॉक्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बिगनर्स महिलाओं के लिए तो बहुत ही आसान तरीके से ये लेडी सॉक्स बनाई गई है। तो ये हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का धागा लगा के और पूरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की दूसरी सिलाई है और सीधी सिलाई है। दूसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, अब की बार हमने इस तरह से उल्टा उल्टा नहीं बनाना सीधी साइड से, अब की बार हमने ये दूसरी सिलाई है डिजाइन की और सीधी सिलाई, इसे हमने पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बनाते हुए जाना है। सीधी साइड है और दूसरी सिलाई है, ब्लैक कलर लगा के ये यहां से डिजाइन की दूसरी सिलाई लगेगी। तो इस सिलाई को हम सीधी साइड को से पूरी सिलाई को सीधा सीधा ही बनाएंगे। तो ये देखिए दूसरी सिलाई को सीधी साइड से सीधा सीधा बना लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की यहां पर ये तीसरी सिलाई, तीसरी सिलाई है उल्टी सिलाई। तीसरी सिलाई को हम किस तरह से बनाएंगे, तीसरी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को उल्टी साइड से सेम पहली सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा बनाना है।
फिर तीसरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की फोर्थ सिलाई यानी कि चौथी सिलाई। चौथी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो चार सिलाई ये हमने ब्लैक कलर से इसकी हम यहाँ पर डिजाइन डालने के लिए बनाएंगे। चार सिलाई ये ब्लैक कलर से, आगे चार सिलाई ही हम पीच कलर से बनाएंगे। लेकिन इस डिजाइन में अंतर रहेगा, क्या अंतर रहेगा वो मैं आपको ये जो पीच कलर है इसमें बताऊंगी। तो ये हमने चौथी सिलाई को सीधा सीधा बना लिया। अब आ गई है अगली सिलाई। अगली सिलाई है और यहाँ पर अब हम ये बेस वाला कलर लगाएंगे यानी कि पीच कलर लगाएंगे। अब हमने ये डिजाइन तो हमारा ब्लैक वाला बन गया, अब हमने ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का डिजाइन बनाना है। तो उल्टी उल्टी सिलाइयों का डिजाइन हम किस तरह से बनाएंगे तो ध्यान से देखिए। अब हमने ये पीच कलर लगा के और इसे हमने किस तरह से बनाना, दोनों तरफ से हमने चार सिलाई उल्टी उल्टी ही बनानी है। जैसे यहाँ पर बनाई थी, चार सिलाइयों में दो धारियां हमारी बन के आएंगी। तो ये पीच कलर के डिजाइन की यहाँ से पहली सिलाई है और उल्टी सिलाई है। तो इसे हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये हमने पीच कलर का धागा लगा के पहली सिलाई को पीच कलर से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हैं पीच कलर वाला दूसरी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। तो दूसरी सिलाई को हम उल्टी साइड से भी ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। पीच कलर से हमने चार सिलाइयां उल्टी उल्टी बनानी है और ब्लैक कलर से हमने चार सिलाइयां सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बनानी है। तो इस तरह से हमारी ये ब्लैक और ये बेस वाले कलर से डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो दूसरी सिलाई हमने सीधी साइड से पीच कलर से बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गए हैं डिजाइन की तीसरी सिलाई और उल्टी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई को भी हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये तीसरी सिलाई को मैंने उल्टी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। अब आ गए हैं डिजाइन की चौथी सिलाई और पीच कलर वाली धागे से हम इस सिलाई को भी सीधी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये चौथी सिलाई को मैंने सीधी साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया। तो ध्यान से देखिए ये इस तरह से हमारा दोनों ये धारियां बन के आई हैं। तो ब्लैक कलर से तो हमने सीधी साइड से ऐसे सीधा सीधा दिखाई देगा और जो ये पीच कलर से है वो हमने उल्टा उल्टा दो ये धारियां दिखाई देंगी। ब्लैक कलर से हमने सीधी साइड से सीधा बनाना है और उल्टी साइड से उल्टा बनाना, और जो ये पीच कलर से बना ही हमने दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनाते हुए दोनों की ब्लैक और पीच की चार चार सिलाइयां बना ली। तो ये देखिए मैंने ये दो धारियां बना ली हैं। तो कुछ धारियां मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। धारियां कितनी बनेगी ध्यान दीजिए, ब्लैक कलर की हमारी 1 2 3 4 5 6 7 सात धारियां हमारी ये ब्लैक कलर से बनेगी और 1 2 3 4 5 6 धारियां हमारी ये बेस वाली यानी कि पीच कलर से बनाई जाएंगी। तो मैं ये सभी धारियां बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे बुटीज किस तरह से बना के हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहां पर ध्यान से देखिए ब्लैक कलर की मैंने 1 2 3 4 5 6 7 धारियां, सात डिजाइन यानी कि बनाए हैं। और यहां पर मैंने ये बेस वाले पीच कलर से मैंने 1 2 3 4 5 6
छह लाइन यानी कि छह डिजाइन पीच कलर से और सात डिजाइन ये यहाँ पर ब्लैक कलर से मैंने यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें जैसे यहाँ पर 22 धारियां, ध्यान से देखिए 22 धारियां ये उल्टे उल्टे की बनाई, 22 धारियों में 44 सिलाइयां बन के आएंगी। तो आगे हमने सीधी तरफ से भी ये वाला धागा लगा के उल्टे उल्टे बनाना है और उल्टी तरफ से भी उल्टे उल्टे। तो दो सिलाइयां मैं बता देती हूँ यहां से, हम अब ब्लैक कलर के धागे को यहां से कट कर लेंगे। तो यहां से मैंने ब्लैक कलर के धागे को कट कर लिया है। तो अब ये दो सिलाई ध्यान से देखिए किस तरह से बनाई जाएंगी। तो ये हम बेस वाला कलर लगा के यानी कि पीच कलर लगा के हम ऐसे इस धागे को ब्लैक कलर को दबाते हुए और पूरी सिलाई को हम इसको ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आ गई है अगली सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ। सीधी सिलाई को भी हम यहाँ पर पूरी सिलाई को ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। तो दोनों तरफ से हम उल्टे उल्टे बनाते हुए यहाँ पर हम टोटल 22 लाइंस इस तरह से बनाएंगे। फिर से बताऊंगी 22 लाइन में हमारी यानी कि 22 इस तरह से ये जो धारी बनी हुई है इसमें हमारी यहाँ पर 44 सिलाइयां बनाएंगे। तो मैं ये इस तरह से 22 धारियां बना लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे बुटीज की फिर सिलाई हम किस तरह से करेंगे। इसको भी मैंने सीधी साइड से उल्टा उल्टा बना लिया, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयां बना के और हम यहाँ पर इस तरह से ये 22 धारियां बना लेते हैं। फिर देखते हैं बुटीज की सिलाई किस तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये 22 धारियां बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे उल्टी साइड की तरफ। उल्टी साइड से 22 धारियां बनाने के बाद यहाँ पर हम सभी फंदों को दो का एक करते हुए ऐसे दो का एक करेंगे। इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, इस फंदे को लेफ्ट नीडल पे लेंगे। इस तरह से करते हुए हम सभी 22 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। इस तरह से सभी फंदों को हम बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। अब हम इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख के कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा लंबा रख के इस धागे को यहाँ पर कट कर लिया और यहाँ से हम ध्यान से देखिए इसे इस तरह से इस फंदे को टाइट कर लेंगे ताकि ये फंदा यहाँ से निकले ना।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करनी है इसकी सिलाई। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। जो सीधी साइड है इसको हम करेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ करके, और यहाँ पर हमने जो ये वाला सिरा है, जो फिनिशिंग वाला यहाँ से सिरा है, इस सिरे से तो हमने फंदों को पहले जिस तरह से चेंज करते हुए आए, तो ये थोड़े से लंबे लंबे से फंदे बनते हुए आए। यहाँ पर हमारे बिल्कुल फली टाइप में बनते हुए आए, इसे हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना। यहाँ से हमने नीचे की तरफ से इसकी सिलाई करनी है, तो सीधी साइड को हम अंदर की तरफ करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये धागा है इसमें हम यहाँ पर नीडल डाल के और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं ये इस तरह से इसमें धागा लगा के और यहाँ पर इसमें धागा लगा के और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ। फिर देखते हैं आगे हम इसके ये पोम-पोम और ये ऊपर वाली सिलाई किस तरह से करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है। अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सीधा करने के बाद हमारी इस तरह से ये शेप बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ ब्लैक कलर के धागे से लेके हम इधर से और इस तरह से हम इसमें इस तरह से सिंगल हम ऐसे सिलाई करते हुए जाएंगे। धागे को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको घुमा के लेके आएंगे। ये देखिए यहाँ तक मैंने इसकी सिंगल धागा निकाल के और ऐसे हम इसको इस तरह से, जो ये लास्ट वाला ये धागा है हमारा जो यहाँ से स्टार्टिंग से लिया था हमने, यहाँ से इसके और इसके हम यहाँ पर एक टाइट से नोट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम एक टाइट से नोट लगाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर टाइट से इसकी इस तरह से नोट लगा ली है। अब बुटीज की शेप इस तरह से आई है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके बीचों बीच से हम ऐसे नीडल निकालेंगे यहाँ पर। इस तरह से, और यहाँ पर एक हम ये हमारे पास है पोम-पोम, इस तरह से एक ऑलरेडी मैंने ये पोम-पोम बनाया हुआ, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम इस पोम-पोम को पक्का करके और इसे अटैच कर देते हैं। फिर देखते हैं बुटीज का फाइनल लुक इस तरह से आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पोम-पोम को लगा के पक्का कर लिया है। तो बुटीज की फाइनल लुक हमारी इस तरह से बनती हुई आई है। तो फ्रेंड्स दोनों बुटीज बनने के बाद फाइनल लुक दोनों बुटीज की इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ।